हेलो गाइस, दिस इज किशोर। वेलकम बैक टू एडवांस नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि एक जीआई सिस्टम का डिजॉर्डर है। आपने देखा होगा काफ़ी बार कि जो चाइल्ड होते हैं, बेबीज होते हैं, वो मिल्क प्रोडक्ट इंटेक करने के बाद जस्ट आफ्टर सम टाइम वो क्या होते हैं, डायरिया और वॉमिटिंग जैसे कंडीशन को फेस करते हैं। ठीक है, वो कंडीशन उनमें देखने को मिलता है। तो मेनली ये क्यों होता है, ये मेनली होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण। ठीक है, वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, दैट्स वाई वो कंडीशन उनमें देखने को मिलता है। तो आज के टॉपिक में आज हम डिस्कशन करेंगे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है क्या, उसमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलता है, क्या है उसका साइन एंड सिम्टम्स, ओके, उसके मैनेजमेंट क्या है, वो सब चीज़ हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एग्जाम में कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप टॉपिक को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस को समझने से पहले फर्स्ट हमको समझना पड़ेगा कि लैक्टोज क्या है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो कि दो शुगर मोलिकुल से बना हुआ होता है। वो मोलिकुल का नाम क्या है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ओके, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज नाम का दो शुगर मोलिकुल से बना हुआ होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। तो डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कहता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस में जब कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस का कंडीशन को फेस करता है, जब किसी में लैक्टोज इंटॉलरेंस का कंडीशन देखने को मिलता है, उसमें क्या होता है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाता ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम। ओके, तो बॉडी में लैक्टेज एंजाइम के डेफिशिएंसी के कारण मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट डाइजेशन नहीं हो पाता, जिसको क्या बोला जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि लैक्टोज किस में, मेनली डेयरी प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो लैक्टोज एंजाइम है, ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये सीक्रेट होता है ब्रॉस बॉर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा प्रेजेंट रहता है ब्रॉस बॉर्डर, उसी में से सीक्रेशन होता है लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, ये ब्रॉस बॉर्डर देखने के लिए कैसा है, ये ब्रॉस बॉर्डर देखने के लिए आपको उसमें एक फिंगर लाइक का शेप देखने को मिलेगा ब्रॉस बॉर्डर में, और बना हुआ होगा वो एपिथेलियल सेल में। ठीक है, ये जो ब्रॉस बॉर्डर है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ब्रॉस बॉर्डर है, वो किस में, एपिथेलियल सेल में बना हुआ होता है, और उसमें एक फिंगर लाइक शेप देखने को मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है, माइक्रोविली बोला जाता है। ठीक है, और ये जो ब्रॉस बॉर्डर है, इसका जनरल फंक्शन क्या है, इट्स एक्ट एज कि हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हम गेन करते हैं, हम जो फूड इंटेक करते हैं, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है एंड उनको ब्लड स्ट्रीम में जाके रिलीज करता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया टोटली कि हमारा जो डेफिनेशन, टोटल डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम बॉडी में मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट का डाइजेशन नहीं हो पाता, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है। ओके, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में लैक्टोज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो उसी का डाइजेशन नहीं हो पाता, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है। तो उसकी डाइजेशन के लिए, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट का डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, हमको लैक्टेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है। और ये लैक्टेज एंजाइम कहाँ से आता है, ब्रॉस बॉर्डर और स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेशन होता है। तो ब्रॉस बॉर्डर में क्या प्रेजेंट रहता है, ब्रॉस बॉर्डर जो होता है वो एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है, एंड उसमें एक फिंगर लाइक शेप देखने को मिलते हैं, फिगर देखने को मिलते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, माइक्रोविली बोला जाता है। और जनरल फंक्शन क्या है ब्रॉस बॉर्डर का, वो हम जो फूड इंटेक करते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जर्व करता है एंड ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। ओके, समझ आ गया। देन देखेंगे हम इसका टाइप्स, तो ये कॉमनली डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। ठीक है, हमारा जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, कॉमनली डिवाइडेड इनटू फोर टाइप, जो कि मेनली कॉमनली आपको पॉपुलेशन में देखने के लिए मिल जाएगा, लोगों में देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट वन इज प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। ये क्यों होता है, ये होता है मेनली ड्यू टू एजिंग। ठीक है, एज हो जाने के कारण, ओल्ड एज में जब कोई पहुंच जाता है, उसी के कारण क्या होता है, बॉडी से लैक्टेज का सिक्रेशन कम हो जाता है। ओके, जिसकी कॉज में क्या देखने को मिलता है, प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। ओके, इसको आपको याद रखना है कि प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो क्यों है, वो है ड्यू टू एजिंग के कारण। एजिंग के कारण लैक्टेज का सिक्रेशन नहीं हो पाता लैक्टेज एंजाइम का, इसीलिए ये कंडीशन देखने को मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस के कैटेगरी में वो आ जाता है। ओके, देन सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, इट्स ड्यू टू इलनेस और इंजुरी। ठीक है, इलनेस कैसा है, जैसे सेलियाक डिजीज टाइप का,
कौन सी सेलियक डिजीज टाइप का अगर इलनेस देखने को मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलता है या इंजरी हो जाता है। मान लीजिए कोई सर्जरी हो गया या कुछ ट्रोमेटिक कंडीशन देखने के लिए मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें क्या होता है ब्रॉस बॉर्डर अफेक्टेड होता है या उसका जो नॉर्मल फंक्शन है ब्रॉस बॉर्डर का वो नॉर्मल फंक्शन में इम्पेयर देखने को मिलता है, तब ये कंडीशन देखने को मिलता है जिसको क्या बोला जाता है सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस क्यों होता है, मेनली ड्यू टू इलनेस और इंजुरी इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, एंड प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस ड्यू टू एजिंग। ओके, थर्ड वन इज कॉन्जेनेटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो कॉन्जेनेटल लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, ड्यू टू द कॉन्जेनेटल डिफेक्ट क्या होता है, बेबी के बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की टोटली एब्सेंसी देखने को मिलता है, उसमें बिल्कुल प्रेजेंट नहीं रहता लैक्टेज एंजाइम, ठीक है, उसी के कारण जब भी वो मिल्क प्रोडक्ट या डेयरी प्रोडक्ट इनटेक करता है आफ्टर सम टाइम उसको क्या देखने को मिलता है, डायरिया, वोमिटिंग, नोजिया, ये सब कंडीशन उसमें देखने को मिलता है। ओके, तो कॉन्जेनेटल क्या है, ड्यू कॉन्जेनेटल डिफेक्ट या कॉन्जेनेटल लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या होता है, ड्यू टू कॉन्जेनेटल डिफेक्ट बेबी के बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की कंप्लीट डेफिशिएंसी देखने को मिलता है, कंप्लीट एब्सेंसी देखने को मिलता है। ठीक है, देन द लास्ट वन इज डेवलपमेंटल लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्योंकि हमको पता है जो जो लैक्टेज एंजाइम का फॉर्मेशन कब होता है, आफ्टर 34 वीक्स इन जेस्टेशनल एज, ठीक है, जब बेबी इंट्रायूटराइन लाइफ में होता है। ओके, तब क्या होता है, तब ये लैक्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, कब, आफ्टर 34 वीक्स। तो अगर बेबी बिफोर 34 वीक्स बर्थ लेता है, ठीक है, बिफोर 34 वीक्स अगर बर्थ लेता है तो क्या होता है, ये कंडीशन देखने को मिलता है, क्योंकि 34 वीक्स के बाद ही लैक्टेज का फॉर्मेशन होता है बॉडी में, ठीक है, प्रेगनेंसी के 34 वीक्स के बाद ही लैक्टेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। बट एक बेबी अगर 34 वीक्स से पहले बर्थ हो जाता है किसी बेबी का, तब ये फॉर्मेशन नहीं हो पाता और लैक्टेज इंटॉलरेंस की कंडीशन देखने को मिलता है इन लेटर स्टेज। ओके, तो प्री मेच्योर बेबी डेवलपमेंटल लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, मेनली ये देखने को मिलता है प्री मेच्योर बेबी की कंडीशन में। ओके, तो ये थे कुछ इसका टाइप्स। नेक्स्ट देखेंगे हम कॉजेस, कॉजेस क्या है, क्यों ये होता है। तो हमने देखा मेनली ये क्यों हुआ, जेनेटिक के कॉज में कोई डिजीज और इलनेस के कारण, देन ट्रोमाटिक कंडीशन एंड प्री मेच्योर बर्थ, ठीक है, प्री मेच्योर बर्थ में देखने को भी मिलता है। ओके, देन साइन एंड सिम्टम्स, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है। ओके, तो साइन एंड सिम्टम्स मेनली कब देखने को मिलता है, आफ्टर 30 मिनट टू 2 आवर्स इनटेक ऑफ डायरी प्रोडक्ट और ड्रिंकिंग डायरी प्रोडक्ट। ओके, तो मिल्क या डायरी प्रोडक्ट इनटेक करने के 30 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या क्या, एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा, ब्लोटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लोटिंग में एक्सेसिव गैस प्रोडक्शन हो जाता है। ओके, एंड नोजिया वोमिटिंग जैसे कंडीशन भी वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्यों करें, क्या करेंगे हम, डायग्नोसिस करेंगे लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट, क्या करेंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट करेंगे हम। इसमें क्या होगा कि इस टेस्ट में हम मेजर कर पाएंगे कि डायरी प्रोडक्ट के साथ बॉडी का रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट में क्या मेजर करेंगे कि डायरी प्रोडक्ट इंटेक करने के बाद बॉडी का रिएक्शन क्या होता है, किस टाइप के रिएक्शन शो करता है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे जो हमने पढ़ा साइन एंड सिम्टम में, अभी जो हमने डिस्कशन किया कि ये सब चीज़ देखने को मिलता है, ये क्यों देखने को मिलता है, मान लीजिए हमने लैक्टेज एंजाइम का इंटेक किया, ओके, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट या डायरी प्रोडक्ट कुछ भी इंटेक किया, इंटेक करने के बाद वो क्या होगा, इंडाइजेशन क्रिएट होगा। ओके, उसमें अगर लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो इंडाइजेशन की कंडीशन देखने को मिलेगा, वही सेम इंडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, डाइजेशन विदाउट डाइजेशन वही फूड, इंडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है, कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और क्या करेगा उसमें, हाइड्रोजन, मीथेन, ये सब गैस का वहाँ पे फॉर्मेशन करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, जो कि क्या क्रिएट करेगा, ये
एब्डोमिनल क्रैम्प्स, बोल्टिंग, ओके, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सब क्रिएट करेगा। ओके, समझ में आ गया आपको। तो डायग्नोसिस में हमने क्या देखा, लैक्टोज इंटॉलरेंस टेस्ट, जिसमें क्या होगा, बॉडी का जो रिएक्शन है डेयरी प्रोडक्ट के साथ उसमें हम मेजर करेंगे। देन हाइड्रोजन ब्रिज टेस्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार आते रहते हैं ये क्वेश्चंस कि हाइड्रोजन ब्रिज टेस्ट क्या है। तो हाइड्रोजन ब्रिज टेस्ट में क्या होता है, हम मेजर करेंगे कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या मेजर करेंगे, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ब्रीथ। ओके, सो ये हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं जो कि अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो प्रोसीजर क्या है, कीप फास्टिंग ऑन लास्ट नाइट मेनली बिफोर 12 आवर्स, ठीक है, जिस दिन ये टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा उससे बिफोर 12 आवर आपको फास्टिंग मेंटेन करना पड़ेगा। देन एट मॉर्निंग प्रोवाइड ए लैक्टोज ड्रिंक, मेनली कितना, 25 ग्राम का मिनिमम होना चाहिए। ओके, लैक्टोज जो होना चाहिए कितना ग्राम का, 25 ग्राम का मिनिमम होना चाहिए, तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, 12 आवर फास्टिंग किया जाएगा, नेक्स्ट मॉर्निंग में 25 ग्राम लैक्टोज प्रोवाइड किया जाएगा ड्रिंक के तौर में, ठीक है, ड्रिंक के आकार में कन्वर्ट उसको प्रोवाइड किया जाएगा। देन लैक्टोज इंटेक करवाने के बाद क्या होगा, वेट फॉर 30 मिनट्स, ओके, 30 मिनट्स तक वेट करेंगे। अगर बॉडी में लैक्टेज की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा, लैक्टोज डाइजेशन नहीं हो पाएगा और क्या होगा, फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन करना स्टार्ट कर देंगे। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन है जब कोई बैक्टीरिया कोई शुगर पार्टिकल को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, जब शुगर पार्टिकल डाइजेशन नहीं हो पाता तब जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया शुगर पार्टिकल को ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है। तो हम जब डेयरी प्रोडक्ट इंटेक करेंगे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा जब क्योंकि लैक्टेज एंजाइम तो प्रेजेंट है नहीं, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेज एंजाइम वो इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा उसको इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हमारा ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे, जिसको क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है। जब फर्मेंटेशन होगा तब जैसे मैं आपको बताया कि हाइड्रोजन और गैसेस भी रिलीज होंगे। ओके, तो ये सब गैसेस क्या होते हैं, कुछ अमाउंट में बॉडी में ऑब्जर्व हो जाते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट में बॉडी में ऑब्जर्व हो जाते हैं, बट कुछ अमाउंट में क्या होते हैं, ब्रीद में एक्जल आउट होते हैं, ठीक है, ब्रीद में देखने को मिलता है, इनका प्रेजेंस ही देखने को मिलता है ब्रीद में, ठीक है। तो हाइड्रोजन ब्रीद टेस्ट हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो हाइड्रोजन का अमाउंट ब्रीद में कितना है, ठीक है, ब्रीदिंग में हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है। तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन ब्रीथ कितना होता है, 16 ppm, ठीक है, 16 ppm, ppm क्या है, पार्टिकल पर मिलियन, ओके, सॉरी ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये उसका मैट्रिक्स है कि कितना होता है, ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। तो हमारा जो नॉर्मल हाइड्रोजन अमाउंट होता है ब्रीद में वो कितना होता है, बिलो 16 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ओके, अगर ये वैल्यू एबोव 16 ppm हुआ, एबोव 16 पार्ट्स पर मिलियन हुआ, तो इसको क्या बोला जाता है, एक हायर अमाउंट में वो कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम स्टूल एसिडिटी टेस्ट। तो ये स्टूल एसिडिटी टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जब फर्मेंटेशन होगा शुगर मॉलिक्यूल का डाइजेशन नहीं हो पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करेगा, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करेगा, एट दैट टाइम वो क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड, क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड, जो कि आपको किस में देखने को मिलेगा, स्टूल में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर स्टूल एसिडिटी टेस्ट करेंगे तो लैक्टिक एसिड का
प्रेजेंस ही उसमें देखने को मिलेगा, लास्टिक एसिड उसमें आपको फाइंड आउट होगा। तो इसलिए हम क्या पता कर पाएंगे कि शुगर मॉलिक्यूल का डाइजेशन नहीं हो पाया है और ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है, लैक्टोज मॉलिक्यूल है, उसको बैक्टीरिया ने ब्रेक डाउन किया है। तो ये कंडीशन हम उसमें फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसलिए क्या परफॉर्म करेंगे, स्टूल एसिडिटी टेस्ट भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये था कुछ उसका डायग्नोस्टिक के। मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट ऐसा कुछ अभी है नहीं इसका। ठीक है, अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं हो पा रहा है डाइजेशन, तो हम कॉमनली उसको क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे इनटेक करना। अगर इनटेक कर भी रहे, एमुलिक प्रोडक्ट कुछ इनटेक कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, लिमिट कर देंगे 1 ग्लास तक। ओके, 1 ग्लास मिल्क पर डे वो ले सकता है, या एट ए टाइम 1 ग्लास मिल्क ले सकता है। देन प्रोवाइड लैक्टोजेनडाइन टैबलेट बिफोर 30 मिनट्स ऑफ डायरी प्रोडक्ट इनटेक। अगर कोई डायरी प्रोडक्ट जैसे 1 ग्लास ऑफ मिल्क इनटेक किया, ठीक है, कोई भी 1 ग्लास मिल्क इनटेक किया, तो उससे 30 मिनट्स बिफोर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, लैक्टोज एंजाइम का टैबलेट प्रोवाइड करेंगे फॉर द प्री डाइजेशन। ओके, एंड प्रोवाइड कैल्शियम विटामिन डी रिबोफ्लोबिन एंड प्रोटीन रिच डाइट। क्योंकि ये जो कैल्शियम विटामिन डी रिबोफ्लोबिन ये सब क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट में मेनली बहुत मात्रा में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये एक सोर्स होता है। ठीक है, तो जब डेयरी प्रोडक्ट हम इनटेक करना अवॉइड कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट हम में डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीज़ की डेफिशिएंसी बॉडी में देखने के लिए मिलेगा। तो जो हम फूड इनटेक करेंगे उसमें ये सब चीज़ प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, ये सब न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स प्रेजेंट रहना चाहिए। ओके, सो गाइज होप आपको सबको टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है समझने में इसको, तो आप हमें कमेंट या मेल बॉक्स में मेल कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो आएगा, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।